नमस्कार, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, मंच पर बैठे सभी मंत्रीगण, उपस्थित देश के सभी राज्यों से आए सिद्धहस्त श्रमजीवी कारीगर भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्र परिवार के मुखिया, गरीबों के मसीहा, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी ईश्वर से आपके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करते हैं। 140 करोड़ भारतवासियों के आपके प्रति बढ़ते विश्वास और आस्था से हम सभी को देश सेवा में तत्पर रहने की प्रेरणा मिलती है। कठिन वैश्विक परिस्थितियों में आपने अपने कुशल नेतृत्व से देश के कोने कोने में G20 कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसने सभी देशवासियों को जोड़ते हुए पीपल्स G20 के रूप में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। आज सुबह की अखबार में तो एक खबर में एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री ने इसको मॉडिफाइड G20 का दर्जा दे दिया है। G20 की अध्यक्षता में आपने सर्वसम्मति से न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन पारित किया, जो आने वाले भविष्य को नई दिशा दिखाने के साथ ही वैश्विक दशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस ऐतिहासिक सफलता पर आपको हार्दिक अभिनंदन और बधाई। यह हमारा सौभाग्य है कि आज विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर पर विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ और यशोभूमि का लोकार्पण आपके कर कमलों से हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपने देश में स्किल, स्पीड और स्केल की नई परिकल्पना की है। आज का यह कार्यक्रम इन तीनों का संगम है। स्किल डेवलपमेंट के लिए एक नया मंत्रालय बनाकर आपने कौशल विकास को बल दिया। आज की विश्वकर्मा योजना भी हमारे हुनरमंद भाइयों बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देने वाली है। आपने अपने कर्मशील व्यक्तित्व से लगातार मार्गदर्शन देते हुए सभी में विश्वास भरा, जिसके कारण तीव्र गति से ये कार्य पूर्ण होकर आज यशोभूमि के विशाल स्वरूप में उभर कर सामने खड़ा है। आपने सितंबर 2018 को यशोभूमि का शिलान्यास किया था। आज इसका लोकार्पण देश में नया उत्साह जागृत कर रहा है। यशोभूमि का कार्य दो फेजेस में होना है, जिसका पहला फेज पूर्ण हो गया है और आगे चलकर ये दो गुने स्केल पर संपन्न होने वाला है। यह सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि यशोभूमि में बना ये कन्वेंशन सेंटर न सिर्फ भारत के बल्कि विश्व के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर्स में से एक है। द्वारका में बना ये नवनिर्मित भवन पीएम गति शक्ति और बहुआयामी विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट द्वारका एक्सप्रेसवे बनने से यहां से मात्र 5-7 मिनट में पहुंचा जा सकता है। एरो सिटी में
कई सारे होटल्स हैं, इस प्रांगण में भी लगभग 3,500 रूम के होटल्स बनने का प्रावधान है। कैनॉट प्लेस, यहां से मात्र 20 मिनट में मेट्रो से पहुंचा जा सकता है। और आपने आज नई मेट्रो का जो विस्तार द्वारका के सेक्टर 25 तक किया, इससे यशोभूमि तक मेट्रो पहुंचकर उसका भी एक नया स्केल और कनेक्टिविटी होने से ये एक प्रकार से जो गति शक्ति की आपकी भावना है उसका एक जीता जागता प्रतीक आज आपने देश को समर्पित किया है, उसका लोकार्पण किया है। गत 9 वर्षों में एग्जिबिशंस हो, कॉन्फ्रेंसेस हो, कन्वेंशंस हो, उसके लिए जितने बड़े पैमाने पर नए सेंटर्स खुले हैं वे आगे चलकर विश्व स्तरीय प्रदर्शन का केंद्र बनेंगे। भारत मंडपन भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यशोभूमि एक तरफ व्यापार और उद्योग को और दूसरी तरफ निर्यात और रोजगार को बढ़ावा देने में सहायक रहेगा। यशोभूमि की विशेषता यह है कि हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्ग, एमएसएमई सेक्टर, हमारे किसान, यहां उपस्थित सभी विश्वकर्मा भाई बहन, इन सभी के लिए नए अवसरों के दरवाजे खोलकर उन्हें भी बड़े स्तर का, उनका स्केल, उनका साइज और बड़ा करने में, देश और दुनिया की सेवा करने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने अमृतकाल में विकसित भारत बनाने की नींव रखी है। चाहे मजबूत अर्थव्यवस्था बनाना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत सुविधाओं का विकास हो, गरीबों का कल्याण हो, डिजिटाइजेशन हो, या भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का दृढ़ निश्चय हो, आज केवल देश नहीं बल्कि पूरा विश्व आपके वर्षों की तपस्या और समावेशी विकास के संकल्प का साक्षी बन रही है। कानूनों को सरल बनाकर सामान्य लोगों के जीवन को आसान बनाना, ईज ऑफ लिविंग बनाना, स्टार्टअप्स को सुविधा देना, व्यापार निर्यात बढ़ाना, रोजगार के, काम के नए अवसर उत्पन्न करना, जन विश्वास पैदा करना, इन सब के फलस्वरूप देश अब रुकने वाला नहीं है। आपका आज इस शुभ अवसर पर, विश्वकर्मा दिवस पर, आपके जन्मदिन पर मैं कोटि-कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने हमारे विश्वकर्मा भाइयों और बहनों के संघर्ष और कठोर परिश्रम को पहचाना और कुशल कारीगरों के सम्मान एवं कल्याण के लिए विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ, जिससे हमारे भाई बहन सशक्त और स्वावलंबी बन सके, उसका आज आपके करकमलों द्वारा शुभारंभ होना हम सब के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। श्रमेव जयते की भावना को साकार करने वाले विश्वकर्मा भाइयों और बहनों को मेरी हार्दिक शुभेच्छा और बधाई। प्रधानमंत्री जी, मैं आपके मार्गदर्शन के लिए पुनः आभार व्यक्त करता हूं। भारत के विकास के प्रति आपकी प्रतिबद्धता हमारे लिए प्रेरणादायक है, अनुकरणीय है। बहुत बहुत धन्यवाद।